बरेली के ग्राम केसरपुर में शिव मंदिर पर दो मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने के बाद हंगामा हो गया। कुछ ग्रामीणों ने मुस्लिम महिलाओं के मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत भी की। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। सीईओ ने ग्रामीण को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। शिकायती पत्र के आधार पर मौलवी चमन शाह नमाज पढ़ने वाली महिलाओं दोनों महिलाओं शबीना व नजीरा के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा में प्राथमिकी लिखी गई। केसरपुर गांव स्थित शिव मंदिर पहुंचकर दो मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। हिंदू समाज के ग्रामीणों ने इसकी वीडियो भी बनाई। जानकारी पर तमाम ग्रामीण मंदिर पर इकट्ठे हो गए और हंगामा शुरू किया। तभी ग्रामीणों ने दोनों महिलाओं को रोक लिया और पूछताछ की। ग्रामीणों के अनुसार महिलाओं ने बताया कि उन्हें ग्राम सैदपुर के मौलवी चमन शाह ने नमाज पढ़ने को भेजा था जिससे उनके कष्ट कट सकें। जानकारी पर भुत्ता पुलिस सक्रिय हुई और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को अपने अपने घर जाने को कहा। पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए ग्राम प्रधान प्रेम सिंह ग्रामीण के साथ थाने पहुँचे और घेराव पर हंगामा शुरू किया। वहीं सीईओ गौरव सिंह ने ग्रामीणों को शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जैसे तैसे मामला शांत कराया। ग्राम प्रधान प्रेम सिंह के शिकायती पत्र पर तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई। सीईओ फरीदपुर गौरव सिंह ने बताया कि मौलवी पर दोनों महिलाओं के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई थी। दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।